आठवीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपके गणित का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ये आपके जो 8 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसकी जो प्रश्न है उनको आप अच्छी प्रकार से समझना। पहला क्वेश्चन आपके ये है कि ये दे रखा है माइनस के 3 - -19, ये किस प्रकार की संख्या है? ये धन परिमेय है, ऋण परिमेय, या फिर या तो धन या फिर ऋण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों माइनस के तो माइनस माइनस कट जाएंगे और ये संख्या प्लस की बन जाएगी, इसलिए ये धन परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और क्यू का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इस वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई पूछे कि जीरो परिमेय संख्या है क्या? तो हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके हैं कि 144 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम एक तो भाग विधि काम में लेते हैं और एक हम गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। तो भाग विधि में हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो इकाई की ओर से हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, 44 का एक जोड़ा बनेगा और एक का एक जोड़ा बनेगा। टोटल कितने जोड़े बने? दो जोड़े बन गए, 44 और एक का। तो हमारे जो वर्गमूल के अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे? दो अंक हो जाएंगे। वैसे 44 के जो वर्गमूल ज्ञात करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 में कितने अंक हैं? दो अंक हैं। अगला क्वेश्चन आपके हैं 256/289, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 256 का जो वर्गमूल होता है, ठीक है, वो होता है 16। ये 256 16 के वर्ग हैं और 289 के वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो ये आएगा आपके 17। तो 16/17 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 16। अगला क्वेश्चन है कि 13 का वर्ग कितना होगा? तो 13 का वर्ग होता है 169। 13 को हम 13 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, 13 को 13 से गुणा करने पर इसका आंसर आता है 169। नेक्स्ट फिर आपके 10^3 का आपको मान ज्ञात करना है। 10^3 का मतलब होता है कि 10 को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 10 के घन ज्ञात करना है। जब 10 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है छठा, ये घनमूल ज्ञात करना है। देखो इसमें आपके वर्गमूल ज्ञात करना था तीसरे में और इस छठे में आपके घनमूल ज्ञात करने हैं। इस वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो ये 343 किसके घन है? एक तो आपको एक से लगा के 10 तक के घन याद होने चाहिए ताकि आप सवाल डायरेक्ट कर पाएंगे। ये 343 है वो आपके 7 के घन है, 343 7 के घन होते हैं और 512 जो है आपके 8 के घन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 343/512 का हम क्यूब रूट करेंगे तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये 8वीं क्लास की जो बोर्ड पेपर है वो मॉडल पेपर आपके अपने ऐप पर उपलब्ध है, तो ऐप आप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर OTP आएगी, फिर आपका नाम डालना है और आप अपने स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जाके सारे मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कई सारे टेस्ट भी आप वो देख सकते हैं और मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है ये सारी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस नाम से आएगा ये SHRI Sri RAM और CLASS क्लासेस, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो YouTube का जो लोगो है वो सेम लोगो मिल जाएगा ब्लू एंड रेड में। तो आप इसको डाउनलोड करके अपना जो स्टडी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? तो अच्छे नहीं की पूछा है, इनकी 50 टोटल है उसमें से 50% अच्छे हैं, इनकी 50% का मतलब ये होता है कि 100 का आधा, तो इसमें 50 का आधा हो जाएगा हमारा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 25। वैसे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छे नहीं कितने हैं तो 100 में से अच्छे उसको कम कर दो, 100 में से 50 को कम करें तो 50% अच्छे नहीं है। तो टोटल तो हमारे पास में 50 है, इसका हम 50% ज्ञात करेंगे। 50 का 50% ज्ञात करने के लिए 50 × 50 करके हम 100 का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। इस 100 के दो जीरो से इन दोनों 50 का एक एक जीरो कट जाएगा, 5 × 5 बचेगा, 5 × 5 कितना होता है? 5×5 = 25, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपके 8वां सवाल है, समीकरण को हल करना है, 7P = आपको दे रखा है 28, तो आपको ज्ञात करना है पी का मान। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ से हटाएंगे, 7 इसके गुणा में इधर आएगा, इसके भाग में आ जाएगा। 28 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? तो ये 4 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पी का मान इसमें पता चल जाएगा, 28/7 यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आयत का विकर्ण होता है, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, आयत में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत और वर्ग दोनों में 2-2 विकर्ण होते हैं, इन दोनों में विकर्ण बराबर होते हैं।
आयत का और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, सरल कोण 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको कि त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। इस ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ होती है, अंतर कोणों की जोड़, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये अंतर कोण की जो जोड़ है वो कितनी होती है, कमेंट करके बताना इसका आंसर। इसकी जो अंतर कोण होते हैं इनकी जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ आपको बतानी है। दसवां क्वेश्चन आपके, एन भुजा वाले समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये एक सूत्र होता है, मतलब ये मान होता है, ये फिक्स होता है कि किसी भी बहुभुज के, चाहे वो एन भुजा है या दो भुजा हो, चार भुजा हो, पाँच भुजा हो, दो भुजा इतनी होगी तीन भुजा, चार भुजा, पाँच भुजा, जो भी भुजाएँ हैं, उन सभी की जो बाह्य कोण है, उन सभी की जो जोड़ होती है वो हमेशा 360 डिग्री होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके, 360 डिग्री। और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो या फिर प्रत्येक कोण दे रखा हो और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे 360 डिग्री है, इस 360 डिग्री मान लो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, बाह्य कोण, तो हम इसमें भाग देंगे तो ये षटकोण आ जाएगा, मतलब 6 इसमें भुजा हो जाएगी। और 6 भुजाओं की संख्या देखिए, प्रत्येक बहिष्कोण पूछे तो भी हम इसमें क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे तो ये 60 बार चला जाएगा, तो प्रत्येक बहिष्कोण आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार हम बोर्ड एग्जाम तक आपके और भी महत्वपूर्ण वीडियोज यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर और करना। आगे मेरे पास में और आपके क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इनकी PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्ले स्टोर पर आप सर्च करें SHRI श्री राम और क्लासेस, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर जरूर करना। और 8वीं क्लास का जो आपका ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस 8वीं क्लास का जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर आपके 75 68 35 00 69, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक वगैरह और मिल जाएगा और मॉडल पेपर वगैरह आप वहाँ पे और आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। PDF के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप का लिंक आपको नीचे दे रखा है। तो यही था इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको और इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये बाकी के जो पेपर हैं वो आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने बाकी मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। और पहले के जितने भी पेपर हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उस क्लास 8th की, तो कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड मॉडल पेपर के नाम से हैं, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वो उसका भी लिंक आपको नीचे दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके मतलब उसमें क्लिक करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।